जरवल नगर पंचायत जो केपीएल का कार्यालय, क्रिकेट का जो कार्यालय बना उस कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद है। और आज यहाँ केपीएल कमेटी की एक लंबी बैठक चली है। बैठक में यहाँ केपीएल कमेटी के अध्यक्ष अजीमुद्दीन अज्जी भी हमारे बीच में है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है और सरपरस्त जो इस कमेटी के है कमाल भाई भी यहाँ बीच में है। तो अज्जी भैया, आज जो बैठक हुई है अभी, तो आने वाले दिनों में जो केपीएल का क्रिकेट होना है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहते हैं, कैसे आप फॉर्म भरवाएंगे और कब तक होगा, कैसे क्या है? अभी बैठक हुई है जी, और जिसमें कमेटी ने डिसाइड किया है जी कि 3 दिन फॉर्म भरे जाएंगे जी, जिसकी डेट ओपन हो चुकी है 7, 8, 9 जी, इन 3 दिन फॉर्म भरे जाएंगे जी। उसके बाद टीम की लिस्ट 12 तारीख को ओपन की जाएगी जी। और जैसा कि अभी बैठक में बात हुई है कमेटी में कि 15 तारीख को केपीएल क्रिकेट जो है टूर्नामेंट होना तय किया गया है जी। नहीं तो और जैसे ये जो आप करते चले आए हैं बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि पर साल हम लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया था जी। तो ये कब से चल रहा है केपीएल का क्रिकेट? ये 2012 से सीजन 6 चल रहा है जो होने वाला है केपीएल सीजन 6। 2012 से जो है ये टूर्नामेंट होता आ रहा है और 6 साल है इस टूर्नामेंट को, और काफी मेहनत होती है, काफी जो है लंबी कमेटी है 25-30 लोगों की, काफी मेहनत करते हैं। 1 महीने का जो है कार्यक्रम चलता है, तब जाते हैं इतना बड़ा टूर्नामेंट होना हो पाता है। मैं एक चीज और पूछेंगे, इस बार जो मुखर्जी का है ऐसे अभी आप लोगों ने कुछ तय किया कि किसको उनको मुखर्जी करना, कैसे क्या कैसे इस टूर्नामेंट में किसी पार्टी या किसी चैंबर के पीछे मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। ये सामाजिक खेल है, इसमें सारे पार्टी के लोग भी आते हैं और हमेशा बुलाते हैं। इसमें कोई पार्टी वाला मामला नहीं रहता कि यहाँ आप केवल एक ही पार्टी के लोग आए, इसमें सारे लोगों को इन्वाइट किया जाता है। तो क्या जो टीमें आएगी तो क्या जनरल से ही रहेगी कि कुछ टीमें आप बाहर से भी बुलाएंगे? ये जनरल ब्लॉक क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं वो फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है, तो उसमें पूरे जनरल ब्लॉक के लोग खेलते हैं। नहीं तो और मैसेज क्या देना चाहेंगे, और कोई आपकी बात हो, कोई और आपकी अपील हो वो आप अपना कह सकते हैं? केपीएल कराने का मकसद यही है था कि जो हमारे क्षेत्र में नौजवान लड़के जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनकी प्रतिभाएं उभर के आए। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे खेले और आगे जो है वो तरक्की करे खेले। बस एक क्वेश्चन और चलते चलते, देखिए जरवल कस्बा जो ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ से गांव के लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो क्या गांव से भी कुछ टीमें यहाँ पहुँचेंगी? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लॉक क्षेत्र पूरा जरवल ब्लॉक के जितने भी खिलाड़ी हैं वो फॉर्म भरेंगे, किसी का बैंड वैंड नहीं है, हर खिलाड़ी फॉर्म भरेगा। कहने का मतलब ये कि गांव से भी अगर कोई खिलाड़ी खेलता है, बढ़िया अच्छा खेलता है, तो वो आगे आकर के फॉर्म भर सकता है। हाँ, फॉर्म भर सकता है, उसकी डेटें हैं और उन डेटों में फॉर्म भर के अपनी एंट्री कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता और इस टीम के जो सरपरस्त है, हमने जैसा बताया कि कमाल भाई बहुत इनका बड़ा योगदान होता है सामाजिक कार्यों में, बहुत हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। तो कमाल भैया संक्षिप्त जानना चाहेंगे, टीम के लिए आप क्या दुआएं देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं केपीएल जो क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे अजीत भाई कराना चाह रहे हैं जी, हमारे तन मन धन से बैंक के साथ जी एक कराए जी, तो पूरा टाइम दूंगा जी, और मेहमानों को बुलाया जाएगा जी, क्रिकेट कराया जाएगा जी, ये नेहरू पार्क ग्राउंड में करवाया जाएगा जी। बाकी अजीत भाई यही है हमारे जी। धन्यवाद। देखिए अरमान भाई भी अगर आप संक्षिप्त में कुछ कहना चाहें तो आप भी कह सकते हैं। देखिए अरमान भाई कुछ नहीं कहेंगे, उनके सरपरस्त लोग जो है कमाल भाई हैं, अच्छी भाई ने अपनी बात रखी कि 15 दिसंबर से खेल का जो शुरुआत हो जाएगी और काफी लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि इस खेल को आप लोग अवश्य देखें। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक मिश्रा, छोटी अड्डा, जनपद में।